नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सरकार गिराने का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के यहाँ 14 घंटे तक छापेमारी की गई, पूछताछ की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन सिसोदिया ने यह धमकी नहीं दी कि हम मानहानि का केस कर देंगे, जब कुछ करा ही नहीं तो कर लो जांच। कुछ नहीं मिला, लेकिन सीबीआई वाले कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा है कि गिरफ्तार तो एक बार करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि तो गिरफ्तार तो ये होंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है सिसोदिया को। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को झूठे सच्चे केस करके क्या मिलता है। मानव इतिहास में सबसे अधिक हमारे ऊपर ही केस हुए होंगे। छोटी सी पार्टी है, हम अभी अभी पैदा हुए हैं और हमारे 49 विधायकों पर 169 केस कर दिए। इनमें से 134 केस कोर्ट ने ख़त्म कर दिए, इनको खूब डांटा भी, बचे हुए 135 भी खत्म हो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, देश का समय खराब हो रहा है, लेकिन एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, जब से सिसोदिया के यहाँ रेड मारी गई है गुजरात में 4% वोट बढ़ गया है। जिस दिन गिरफ्तार करेंगे 6% और बढ़ जाएगा, और अगर दो बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार बन जाएगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर दो ही पार्टियां बची हैं, एक कट्टर ईमानदार पार्टी और दूसरी कट्टर बेईमान पार्टी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 सितंबर से मेक इंडिया नंबर 1 मिशन पर निकलने जा रहे हैं। केजरीवाल इस मिशन को दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से शुरू करेंगे और इसके साथ ही वो 2024 के आम चुनाव की तैयारी भी शुरू कर देंगे। बताना होगा कि कांग्रेस भी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही जोर शोर के साथ मेक इंडिया नंबर 1 मिशन को लॉन्च किया था और कहा था कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए देश भर के लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ आना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कारण बताओ नोटिस जारी करने की मांग की है। AICC के सूत्रों के मुताबिक कुमारी सैलजा ने कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के सामने हुड्डा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हुड्डा के खिलाफ ये शिकायत कांग्रेस छोड़ने वाले नेता गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात पर दर्ज कराई गई है। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकात की थी और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी रहे थे। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव बुधवार को बिहार पहुंचे थे। इस दौरान पटना में नीतीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में KCR पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे होते हैं और इस बीच नीतीश कुमार चलने के लिए कहते हैं। दरअसल जब KCR से PM की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार हंसने लगे और अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। इसके बाद KCR ने उनसे बैठने के लिए कहा और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम BJP विरोधी फ्रंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो दल साथ आएंगे हम सब बैठकर तय करेंगे, जो भी फैसला होगा वो सर्वसम्मति से होगा। इस बीच नीतीश कुमार फिर से खड़े हो जाते हैं और चलने के लिए कहते हैं, लेकिन KCR उनसे फिर से बैठने को कहते हैं। इस पर नीतीश कुमार कहते हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए, 50 मिनट तो दे दिए, और ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंसने भी लगते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान KCR के बोलने के बीच ही नीतीश कुमार के खड़े होने और चलने की वायरल वीडियो पर BJP ने निशाना साधा। BJP नेता सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश कुमार ने तो KCR को बुलाया था PM पद हेतु अपनी उम्मीदवारी पर मोहर लगवाने के लिए, KCR ने तो नाम तक नहीं लिया, नीतीश जी तो उठकर जाने लगे, कांग्रेस नेता राहुल के नाम का अलाप कर रहे थे, इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा। वहीं BJP के IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर कहा, क्या KCR इस तरह अपमानित होने पटना आए थे, नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया, नीतीश KCR के अनुरोध की उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन वो नीतीश कुमार हैं अहंकारी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतरने से पहले राज्य की जनता को 10 गारंटियां दी हैं। इन गारंटियों में युवाओं को 5,00,000 रोजगार, 300 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने जैसे वादे अहम हैं। कांग्रेस ने वादा निभाया है, वादा निभाएंगे, और हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प का नारा भी दिया है।
कांग्रेस की ओर से इन गारंटियों को जारी करते वक्त पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पंजाब में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि आम आदमी पार्टी भी लगातार हिमाचल प्रदेश की जनता से तमाम तरह के वादे कर रही है और कई गारंटियों का ऐलान भी कर चुकी है। हिमाचल में नवंबर दिसंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने बुधवार को भाजपा पर अगले साल होने वाले चुनावों से पहले कर्नाटक में भ्रष्टाचार घोटालों से ध्यान हटाने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो इन अहम मुद्दों को हिजाब, हलाल मांस और हाल में ईदगाह की जमीन पर गणेश चतुर्थी समारोह जैसे सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान लगाकर भटकाती है। एनडीटीवी से बात करते हुए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक देश के भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है, इसे छुपाने के लिए वो हिजाब, हलाल, ईदगाह मुद्दा जैसे मुद्दों को ला रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए शिवकुमार ने कहा कि दो रजिस्टर्ड संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इन मुद्दों को उठाया है। ठेकेदारों के संघ ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में प्रधानमंत्री को खुले तौर पर लिखा है। उन्होंने क्यों लिखा है? प्रधानमंत्री ने कहा था, मैं ना खाऊंगा और ना ही किसी को खाने दूंगा। एसोसिएशन ने पीएम से पूछा है कि कर्नाटक में ये क्या हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली के वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया, साथ ही दावा किया था कि यह देश का पहला वर्चुअल स्कूल है। इस दावे को नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS ने खारिज किया है। NIOS ने बयान जारी कर कहा है कि भारत का पहला वर्चुअल स्कूल खोले जाने संबंधी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर यह सूचित किया जाता है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय पहले ही पिछले साल अगस्त में लॉन्च कर चुका है। बता दें, केजरीवाल ने दावा किया था कि वो दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत भारत का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देश के कोने कोने से छात्र दाखिला ले सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तबाही लाने वाली बाढ़ से होने वाले मानवीय और भौतिक नुकसान पर चिंता जाहिर करने के लिए धन्यवाद दिया है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर लिखा, मैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को बाढ़ के कारण हुए मानवीय और भौतिक नुकसान पर शोक व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। पाकिस्तान के लोग इंशाअल्लाह इस प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करेंगे और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाएंगे। बता दें, पाकिस्तान में बाढ़ के कारण तबाही का मंजर है। इसमें 1100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 3.3 करोड़ या देश की आबादी का 7वां हिस्सा विस्थापित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार रिपोर्ट में चीन पर अपने शिनजियांग प्रांत में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन का दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रांत में नागरिकों पर अत्याचार और यातना के आरोप विश्वसनीय हैं। यूएन ने इस यातना को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। यूएन की चीन को लेकर जारी मानवाधिकार रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन आतंकवाद व उग्रवाद के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर अत्याचार कर रहा है। शिनजियांग में मुस्लिम महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं तो पुरुषों की जबरन नसबंदी की जा रही है। बता दें, चीन पर वर्षों से शिनजियांग क्षेत्र में 10 लाख से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिरासत में रखने का आरोप लगता रहा है। हालांकि चीन हमेशा से दावों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि वो शिनजियांग में चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।